हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। आइए देखते हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, या उसे कहा जाए इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, दोनों सही है। तो हम कंपेरिजन के लिए पहले देखते हैं लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन में v इक्वल टू होता है u प्लस at। पहले कंपेरिजन कर लेते हैं। तो u इनिशियल वेलोसिटी होता है और v फाइनल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन t टाइम होता है। चलिए इसके टक्कर में एंगुलर में चलते हैं। v के स्थान ये जिसे फाइनल वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, वैसे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ लिखा है। यू इनिशियल वेलोसिटी और एंगुलर में वही चीज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन ए है और एंगुलर में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। यस, टाइम दोनों जगह एक ही सिंबल से दिखाया जाता है। अब इक्वेशन टू देखा जाए। इक्वेशन टू में यहां है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यू लीनियर इनिशियल वेलोसिटी है, ये एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी है। टी टाइम दोनों में है, प्लस हाफ ए के स्थान पे यहां लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। टाइम वही प्रयोग किया जाता है। फिर आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो इसी के टक्कर में 100% यहां रहेगा एंगुलर मोशन वाला इक्वेशन। तो इन फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहां फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है। यहां टू दोनों जगह रहेगा, ये लीनियर एक्सेलरेशन यहां एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा प्रयोग किया जाता है। तो कंपेरिजन में आपको पता चल गया। और लीनियर मोशन की कंडीशन है आपका कि एक्सेलरेशन यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से एंगुलर मोशन का भी कंडीशन है क्या, अल्फा कांस्टेंट रहेगा। ध्यान दिया जाए, हमें लगता है कि आपको सब जानकारी हो गया है। ध्यान दें, ओमेगा इनिशियल है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा फाइनल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट रहता है, ये कंडीशन है। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अब यहां कोई चीज नया नहीं है। तो अब हम इसका जो है एक एक करके डेरिवेशन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखा जाए बाय द डिफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन वी है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। इंटीग्रेटिंग 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 ऑन बोथ साइड। हाँ, तो चलिए ये हो गया डी ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। तो डी ओमेगा है यहां जो लिमिट लगाएंगे हम लोग, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल। यहां टाइम है, टाइम जीरो से टी, जो टाइम प्रयोग किया जाएगा वो जीरो से टी, और इनिशियल टाइम जीरो है, फाइनल टाइम टी है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल है। यस यस, तो इसका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओमेगा ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल लिमिट लगाएंगे, अल्फा यहां पे कांस्टेंट है, वन डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, जीरो से टी यहां लिमिट लगा देंगे।
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा इन ब्रेकेट टी माइनस जीरो। तो ये ओमेगा इनिशियल उस तरफ ले जाएंगे तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये चीज है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हां फ्रेंड्स, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखा जाए तो अब की बार है बाय द डिफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वी है। तो जो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन हो या इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, दोनों में जो है पहला और लास्ट, पहला और थर्ड वाला डेरिवेशन के लिए एक्सीलरेशन वाले कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना चाहिए और सेकंड इक्वेशन के लिए हमेशा वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना चाहिए। वहां पे लीनियर वेलोसिटी रहता है और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान दिया जाए। बाय द डिफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये ऐसा है क्यों? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले आना है, उसमें थीटा होना चाहिए, तो उसी के आधार पे ये डेरिवेशन किया जाता है। हाँ चलिए, तो यहां से आया ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। अब देखते हैं डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, या ओमेगा डी टी को लिख सकते हैं कि ये ओमेगा है फाइनल यहां पे, तो ओमेगा फाइनल के स्थान लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी और डी टी पहले से है। चलिए एक बार और इसे लिखते हैं, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल डी टी प्लस लिख लेते हैं अल्फा इंटू टी डी टी। अब यहां इंटीग्रेटिंग, चलो इंटीग्रेशन लगाते हैं, ये हो गया डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल डी टी प्लस अल्फा कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं टी डी टी, ये टाइम है दोनों, जीरो से टी लिमिट लगाएंगे, जीरो से टी लिमिट लगाएंगे, ये लिमिट लगाएंगे जीरो से थीटा, क्योंकि जब ओमेगा इनिशियल रहा होगा तो एंगल जीरो रहा होगा, ओमेगा फाइनल होने पर क्या हो गया है थीटा कोण बनाया होगा, या टी समय टी बराबर जीरो पर थीटा भी क्या रहा होगा जीरो, जीरो से टी टाइम होने पर टी टाइम बाद जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो थीटा होगा। तो अब देखा जाए वन डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, लिमिट जीरो से थीटा लगाएंगे और ओमेगा इनिशियल कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेंगे और वन डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, जीरो से टी लिमिट लगाएंगे प्लस अल्फा यहां है, टी डी टी का इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर बाई टू जीरो से टी, ये थीटा माइनस जीरो बराबर ओमेगा इनिशियल टी माइनस जीरो प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो। तो जो हमारा यहां पे आंसर आ रहा है सेकंड इक्वेशन का, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यस। ये दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन ये हो गया, अब थर्ड का फिर कर लिया जाए। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में यहां कहेंगे
by the definition of angular acceleration वी हैव। तो मैं बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के लिए बाय द डिफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन का प्रयोग करें, और सेकेंड इक्वेशन के लिए बाय द डिफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का प्रयोग करें। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, वही चीज वहां पे लीनियर वाले में केवल वेलोसिटी रहेगा। यस, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। इस कंसेप्ट का यहां प्रयोग करना है। तो यहां पे भी हमको सब कुछ चाहिए, तो यहां आपको एक काम करना होगा, डी थीटा से गुणा भाग करना होगा। इसे लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसा लिखना होगा यहां। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या चीज है? डी थीटा अपॉन डी टी जो है एंगुलर वेलोसिटी है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, यहां पे ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हम लोग गुणा करते हैं त्रियक, हाँ इसे लिख सकते हो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग यहां पे देखिए बराबर अल्फा यहां बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन डी थीटा आया। यहां पे लिमिट जो लगाएंगे ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल, यहां लिमिट लगाएंगे जीरो से थीटा। चलिए ठीक है, ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा के सापेक्ष ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय टू, और लिमिट है ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल बराबर अल्फा, ये हो गया थीटा, जीरो से थीटा लिमिट लग जाएगा। एक वन डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा? थीटा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का अब हमें प्रयोग करना है। तो चलिए, तो ये ओमेगा फाइनल स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू अल्फा इन ब्रेकेट थीटा माइनस जीरो आएगा। दो से गुणा कर देते हैं, ये गुणा कर दीजिए, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर ट्वाइस अल्फा थीटा, या ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। तो ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, एक और डेरिवेशन हम देख लेते हैं आज, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Yes. तो टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है? तो इसके लिए होता, मान लेते हैं कोई बॉडी एन पार्टिकल से मिलकर बना है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट नेट टार्क अलग अलग पार्टिकल पर लगने वाले टार्क के सम के बराबर होगा। तो नेट टार्क टाउ इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस सो ऑन। बहुत से पार्टिकल हैं, सबके बारे में हमें लिखना है, बस यही कहना है। तो यह बॉडी जो है, मान लेते हैं कि एम वन एम टू एम थ्री सो ऑन पार्टिकल से मिलकर बना है जिनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्प्लेसमेंट आर वन आर टू आर थ्री सो ऑन है। तो ऐसी दशा में इस एक्सिस के अबाउट नेट टार्क अलग अलग पार्टिकल पर लगने वाले टार्क के सम के इक्वल होगा।
तो आइए देखते हैं, तुमने टारगेट टाउ वन, तो इस पार्टिकल पर ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, इस पार्टिकल पर फोर्स एफ वन इधर लगेगा, एफ टू इधर लगेगा, एफ थ्री इधर लगेगा, तो फोर्स गुणे ये डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से हो जाएगा एफ वन इंटू आर वन प्लस एफ टू इंटू आर टू प्लस एफ थ्री इंटू आर थ्री प्लस वन। तो एफ वन बराबर जो फार्मूला होता, आप क्रम से फार्मूला पुट करते जाए, लीनियर से एंगुलर में कन्वर्ट करते जाए, लास्ट में अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो एफ इक्वल टू जो होता है एम वन ए वन आर वन आया प्लस एम टू ए टू आर टू आया, एफ इक्वल टू एम एल रखना है आपको, तो एम थ्री ए थ्री आर थ्री आया प्लस वन। अब लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में एक रिलेशन होता है जिसे हम जानते हैं, ए इक्वल टू होता है आर अल्फा। इस रिलेशन का हमको प्रयोग करना चाहिए, और अल्फा तो आप हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में कांस्टेंट ही होता है, तो अब ए वन के स्थान पर लिखा जाएगा आर वन अल्फा, और आर वन बाहर, ए वन के स्थान पर रखा जाएगा आर वन अल्फा, आर वन बाहर पहले से है। एम टू ए टू का स्थान पर रखा जाएगा आर टू अल्फा, आर टू प्लस एम थ्री ए थ्री का स्थान पे आर थ्री अल्फा इंटू बाहर आर थ्री है। अब इसे लिख सकते हैं एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा प्लस वन, ऐसा कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस वन, और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कांस्टेंट है, हम बाहर कर लिए। हाँ, इसके स्थान पर लिखा जा सकता है सिग्मा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, इसके स्थान पर लिखा जा सकता है आई इंटू अल्फा, तो नेट टार्क टाउ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा। तो ये चीज आपको जानना चाहिए, और ये लीनियर में एफ इक्वल टू एम ए के कंपेरिजन में आप सोच सकते हैं। यहां फोर्स के स्थान पर टार्क लगता है एंगुलर में, और मास के स्थान पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रयोग किया जाता है, लीनियर एक्सीलरेशन के स्थान पर एंगुलर एक्सीलरेशन प्रयोग किया जाता है। तो जो आपको फार्मूला याद करना है वो इस टाइप से याद करना है। यस, तो अब इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन और टार्क टाउ इक्वल टू आई अल्फा इस कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए आने वाले कल में हम केवल न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाएंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।